वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आज 12th बोर्ड मैथ तैयारी के नेक्स्ट प्लस सीरीज जो प्लस सीरीज चल रहा है, जो बोर्ड के लिए प्लस सीरीज स्टार्ट की गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज उस पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। वह क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। वो क्वेश्चन एक नॉर्मल नाम से भी जाना जाता है और वो क्वेश्चन एक दूसरे नेम से भी ये क्वेश्चन बनाया जाता है। वो क्वेश्चन नॉर्मल नाम से क्या नाम दे दिया जाता है? पिकरिक अम्ल। पिकरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है कि पिकरिक अम्ल क्या है, पिकरिक अम्ल क्या होता है इस नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनाया जाता है कि क्या होता है, क्या होता है जब फिनाइल को सात नाइट्रिक अम्ल के साथ सात सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब फिनाइल को क्या कहते हैं सात नाइट्रिक अम्ल के साथ सात सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है? एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सबस्टेंस प्राप्त होता है जो कि प्रबल अम्ली और टेस्ट में कड़वा होता है। वह सबस्टेंस होता है पिकरिक अम्ल। पिकरिक अम्ल होता है तो वही देखते हैं कि क्या होता है। तो दरअसल हम जानते हैं फिनाइल क्या होता है। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग आपकी है। अब इस बेंजीन रिंग पर क्या होता है, इस बेंजीन रिंग पर होता है OH। इसके रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ कराएंगे, इसका जो रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराएंगे? नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, जिसका फार्मूला होता है HNO3, जो कि कैसा होगा, सांद्र होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब किसकी उपस्थिति कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 होगा। वो कैसा होगा, ये भी सांद्र होगा, कैसा होगा, सांद्र होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और इसको हिट करेंगे, जब हिट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि बताओ ध्यान दें, नाइट्री ये एक प्रकार का नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया में आप जानते हैं कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब HNO3 को क्या करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी मिलता है जिसका नाम होता है नाइट्रोनियम, NO2+। NO2+ मिलता है और बाहर क्या जाता है, खुद जानते हैं कि HSO4- बाहर जाता है, HSO4- आपका बाहर जाएगा और बाहर क्या निकलता है, बाहर आपका निकलता है H2O, ये बाहर निकलता है। तो HSO4- बाहर निकलता है, ये आपका H2O मिलता है, ये आपका नाइट्रोनियम है। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम कहते हैं। ये नाइट्रोनियम होता है और एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का काम करता है। और ये नाइट्रोनियम फिनाइल के उस रिंग उस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा जहां पर इसको निगेटिव चार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज। और मैं कहना चाहता हूं एक सामान्य अवस्था में एक नाइट्रोनियम बनता है, लेकिन जब यहां पे क्या होगा, ये भी सांद्र होगा, ये भी सांद्र होगा, और ये भी जब सांद्र होगा तो बताओ नाइट्रोनियम अधिक मात्रा में बनेंगे, और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में बनेंगे। तो आप सिंपल भाषा में समझ लें कि फिनाइल क्या करता है, कि आप खुद जानते होंगे फिनाइल, ये फिनाइल जो होता है अगर इसको देखा जाए तो फिनाइल करता क्या, इसको अगर सिंपली वर्ड में देखा जाए तो फिनाइल करता क्या, इस फिनाइल को देखें, ये फिनाइल है, ये फिनाइल क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, एक OH होता है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर दो लोन पेयर होते हैं तो बता देंगे क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो रिंग पर जब अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है तो आप ये खुद जान सकते हैं कि यह OH ग्रुप बेंजीन रिंग क्या करता है, एक्टिवेट करता है, सक्रियता को बढ़ाता है और कहता है भैया ये लोन पेयर किस में जाएगा, पाई में जाएगा, पाई पेयर बनता है लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर पाई वन में जाएगा, पाई में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या बन जाता है, ये पोजीशन जिसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, ये आपका ओ हो जाता है, ये क्या होता है, ये छोटा है, क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये ध्यान दे ऐसा कुछ होता है। तो बताओ आर इसको कौन सा पोजीशन होता है, बताओ बेंजीन में कौन सा पोजीशन होता है, तो बेंजीन में जो पोजीशंस होते हैं वो पोजीशन आप खुद जानते होंगे, ये पोजीशन बेंजीन का कौन सा होता है, बताओ पैरा, ये भी क्या होता है आर्थो, ये क्या होता है मेटा, ये क्या होता है पैरा, ये क्या होता है मेटा, और ये क्या होता है आर्थो, ये पोजीशन होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग कर दिया जाए तो फिनाइल का नंबरिंग करेंगे तो ये पहला पोजीशन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, सिक्स होगा। तो मैं आप कहना चाहता हूं बेंजीन रिंग का जो पहला और चौथा पोजीशन होता है पैरा होता है और दूसरा और छठवां जो होता है आर्थो होता है। तो बताओ ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन कौन सा है, आर्थो है,
कौन सा है आर्थो है, और ये भी कौन सा होता है आर्थो, ये कौन सा होता है मेटा, ये मेटा है आर्थो है पैरा है, बताओ कहां पर लिख रहा है बताइए आर्थो पर, फिर बताओ ये जाएगा, और फिर जब जाएगा कहां पर लेकर आएगा पैरा पर आएगा, तो पैरा और आर्थो भाई भाई, पैरा और आर्थो भाई भाई, और होता क्या है जो काम पैरा करेगा वही काम आर्थो करेगा, तो यहाँ पर आर्थो पर निगेटिव चार्ज तो इस सिग्नल यहाँ पे फिर क्या होगा पैरा पर भेजेगा रिजोनेंस अनुनाद के कारण, फिर बताओ क्या होगा अगर ये सांद्र में नहीं होता तो एक ही NO2 होता, और एक ही NO2 जो होता वो फिनाल कहां पर आके बैठता, फिनाल कहां पर आके बैठता, वो फिनाल के कहां पर आके बैठता केवल आर्थो पर आके बैठ जाता या तो आके पैरा बैठ जाता, लेकिन यहां पर हुआ क्या है बताओ, ये सांद्र है ये तब तक आके बैठता रहेगा कि जब तक पूरी आर्थो परक्षित कवर न हो जाए तब तक ये बैठता रहेगा, तो बताओ कितने नाइट्रो ग्रुप आके बैठेंगे, कितने नाइट्रो ग्रुप आके बैठेंगे, तो बताओ नाइट्रो जब तन होता डाइल्यूट होता तो एक ही बैठता, लेकिन यहां कितने सांद्र है, तो भैया ये पहला आर्थो कवर, ये कौन सा कवर हो जाएगा पैरा भी कवर हो जाएगा, और ये कौन कवर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा NO2 आपका, ये भी आपका आर्थो कवर हो जाएगा, अगर इसकी नंबरिंग करें दोनों आर्थो कवर पैरा ही कवर हो गया, अगर इसकी नेमिंग करें ये हो जाएगा नेमिंग अकॉर्डिंग, इसको हम नेमिंग करें ये नेमिंग अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू इसे थ्री इसे फोर इसे फाइव इसे हम सिक्स कर सकते हैं, तो नेमिंग जब करेंगे क्या होगा यार दो पर नाइट्रो है फोर पर है सिक्स पर, बताओ क्या है टू पर है, किस पर है टू पर है, टू पर है टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो, ट्राई क्या हो गया ट्राई आपका नाइट्रो हो गया, यहां पर ट्राई नाइट्रो इसे क्या बोलते हैं ट्राई नाइट्रो, यहां पर ट्राई नाइट्रो होगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल मतलब इसको लिख सकते हैं टू फोर सिक्स ट्राई ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो फिनॉल, असली ट्राई नाइट्रो फिनॉल को जो कि कैसा होता है पीला कलर का क्रिस्टल होता है येलो कलर का क्रिस्टल होता है जो कि प्रबल अम्ल होता है, ये एक ऐसा ग्रुप है ये प्रबल अम्ल होता है, इसी को हम पिक्रिक अम्ल का नाम देते हैं, पिक्रिक अम्ल का नाम देते हैं इसको, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो फिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल का नाम देते हैं, और ये ध्यान दें कि यह आपका जो नाइट्रो कौन से अभिक्रिया के थ्रू बनता है इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अभिक्रिया का नाम दिया जाए तो यह अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, कौन सी होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, इसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है, मतलब अगर हम देखें तो बेंजीन का आप सभी जानते हैं बेंजीन पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जब ये NO2 आकर यहां पे बैठेगा NO2 प्लस आके बैठेगा इसको बोलेगा हाई और हाइड्रोजन बोलेगा बाय, आप खुद समझ सकते हैं हाइड्रोजन भी बहुत छोटा सा सदस्य होता है, और आप जाते जाते बड़े आते हैं वहां छोटे हट जाते हैं, ये खुद जो होगा NO2 आएगा तो यस बाय होगा, तो मतलब ये फिनॉल की जो रिंग होगी फिनॉल की जो ये बेंजीन जो रिंग होगी और उसका जो OH ग्रुप होगा जो फिनॉल बनाता है वो क्या करेगा नाइट्रो को बोलेगा आओ मेरे आर्थो पैरा पे बैठ जाओ मैं आपको बैठाता हूं और हाइड्रोजन को भगाता हूं, हाइड्रोजन आर्थो पैरा से भागेगा और वहां पर कौन आके बैठ जाएगा नाइट्रो बैठ जाएगा, लेकिन जब ये क्या होगा सांद्र में होगा तब तो ये पूरा कवर हो जाएगा, अगर ये तन में होता तो केवल आर्थो कवर होगा या तो पैरा कवर होगा, तो ऐसी कंडीशन अगर ये तन होता अगर मान लो ये तन होता तो ये रिएक्शन कुछ और कहता, अगर ये तन होता तो ये रिएक्शन कुछ और कहता, तन की मतलब कंडीशन में इस रिएक्शन को हम देखें ये रिएक्शन तन कंडीशन कुछ और कहता, अगर यही हम कर रहे हैं फिनॉल है ये आपका फिनॉल है और यहाँ पर जो NO3 है ये नार्मल अवस्था में लिखा गया है, यहाँ पे तन नहीं शो किया गया है और ये क्या है H2SO4 आपका सांद्र जरूर शो किया गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में इसको जब हिट करेंगे तो केवल हमें ये मिलेगा कि मतलब ये आपका OH ग्रुप जो नाइट्रो बोलेगा आजा मेरे आर्थो पर बैठो, आर्थो पर ही बैठाएगा किसको नाइट्रो को, कहाँ बैठाएगा
आर्थो बैठाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोफेनॉल होगा, आर्थो नाइट्रोफेनॉल होगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा क्या, पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये कहां पर आ गया, ये तो पैरा आर्थो नाइट्रोफेनॉल हो, पैरा नाइट्रोफेनॉल बनेगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी होगी, जब ये सामान्य अवस्था में होगा, जब ये सामान्य अवस्था में होगा, जब ये तन में होगा, लेकिन जब ये सांद्र में होगा, तभी तो हमारा बनेगा पिक्रिकम। जब सांद्र में होगा तो हमें लिखा क्या है, आप देखें इसको लिखा क्या गया है, आप खुद देख सकते हैं इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है कि पिक्रिक अम। क्या लिखा गया है, पिक्रिक अम लिखा गया, आप खुद देखें इसको, पिक्रिक अम लिखा गया है। और ये क्या कह रहा है, देखें कि क्या होता है जब फेनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक येलो कलर का, ये पीला कलर का क्या मिलता है हमें, ये पीले कलर का क्या होता है, क्रिस्टल होता है, जो कि प्रबल अम्ली होता है, बहुत ही अम्ल का काम करता है, फेनॉल से कई गुना ही ज्यादा अम्ली होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रो होता है इसको और अम्ली बनाने में क्या करता है, योगदान देता है, ये प्रबल अम्ल होता है जिससे फेनॉल से भी कई गुना ही प्रबल होता है। तो यही होता है हमारा पिक्रिकम, यही आपका हुआ पिक्रिकम, और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, यही आपका है ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको आप ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहें, ये आपका है ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल है, और इसी ट्राई नाइट्रोफेनॉल को पिक्रिकम कहते हैं, जो पीले रंग का क्रिस्टल होता है, और ये कौन से क्रिया के द्वारा बनता है, नाइट्रिक अम्ल क्रिया से बनता है, और ये कौन सी क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रिया होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का नाइट्रोनिया, जो जाएगा फेनॉल के आर्थो, मतलब फेनॉल का, फेनॉल के क्या, इस बेंजीन के आर्थो और पैरा बैठेगा, और वहां से हाइड्रोजन क्या करेगा, बाय, और हाई किसके साथ होगा, नाइट्रो के साथ क्या होगा, और हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, बाय। यहां पर प्रोसेस रहता है हाई और बाय का, तो बताओ पूरे आर्थो पैरा कितनी बार हाई हुआ, तीन बार हाई हुआ नाइट्रो के साथ, और कितनी बार बाय हुआ, तीन बार बार इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, और बन क्या गया हमारा, ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल का होता है, ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, जो कि आपके सामने लिखा गया है, आप इसे खुद देख सकते हैं, इसकी नंबरिंग से नंबरिंग होगा है, ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट।